जानी मानी अभिनेत्री और 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा सिकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि खुद उनके मैनेजर ने की है। आपको बता दें कि बालिका, वधु और बधाई हो फिल्मों में उन्होंने काम किया है, 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीती हैं। 2018 की बात करें तो 2018 में वो लकवे के शिकार हुई थी और इसके बाद 2020 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और अब उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। क्या कुछ जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं। जानी मानी अभिनेत्री और 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का निधन हो गया है। ये अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ। टीवी के दिग्गज अधिकारा सुरेखा सिकरी का 75 साल की उम्र में निधन हुआ है। उनके मैनेजर ने बताया है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। ये अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2018 में लकवे का शिकार हुई। 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। निधन के बाद उनके मैनेजर ने बयान जारी करते हुए बताया, हार्ट अटैक आने से आज सुबह सुरेखा सिकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो बीमार चल रही थी। अपने आखिरी वक्त में सुरेखा सिकरी अपने परिवार के साथ थी। उनका परिवार दुख के इस घड़ी में उनके लिए प्राइवेसी चाहता था। सुरेखा सिकरी को 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। उन्हें फिल्म तमस 1988, मैमो 1995, बधाई हो 2018 के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया था। सुरेखा सिकरी ने बधाई हो और बालिका वधू जैसी कई हिट और पॉपुलर फिल्मों सीरियल में यादगार रोल निभाए। आखिरी बार सुरेखा सिकरी फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई घोस्ट स्टोरी में नजर आई थी। उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा ने अपना बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में बिताया। इस एक्ट्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। सुरेखा को 1989 में संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिल चुका है। सुरेखा सिकरी के पिता एयरफोर्स में थे और उनकी माँ अध्यापक थी। उनकी शादी हेमंत रेगे से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा राहुल सिकरी है। राहुल सिकरी मुंबई में है, आर्टिस्ट है। अभिनेता नसरुद्दीन शाह रिश्ते में सुरेखा सिकरी के बहनोई लगते हैं। सुरेखा की बहन मनारा सिकरी ने नसरुद्दीन की पहली शादी हुई थी। ज्यादातर फेम सुरेखा सिकरी को दादी के किरदारों से मिला है। बालिका वधू में सुरेखा सिकरी ने दादी सा यानी कि कल्याणी देवी धनवीर सिंह का किरदार निभाया, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। ये सीरियल 2008 से 2016 तक ऑन एयर रहा। इसके अलावा परदेश में है मेरा दिल, सीआईडी, सात फेरे, बनेगी अपनी बात जैसे कई धारावाहिकों में उन्हें दादी के यादगार रोल दिए गए। फिल्मों में उन्होंने किस्सा कुर्सी का से 1978 में डेब्यू किया। इसके बाद वो तमस, लिटिल बुद्धा, मैमो, नसीम, सरफरोश, दिल लगी, जुबैदा, तुमसा नहीं देखा, देवडी 2009, हमको दीवाना कर गए 2006 और बधाई हो 2018 जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। यानी कि सुरेखा सिकरी हमेशा ही अपने अदाकारी के लिए याद की जाएगी। खासकर 2008 से लेकर 2016 तक बालिका वधू में जो उन्होंने दादी का किरदार निभाया, उसके बाद से इनकी विख्याति बढ़ती ही चली गई और बधाई हो के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। 3 बार नेशनल अवार्ड जीती, लेकिन आखिरी वक्त में वो अपने परिवार के साथ ही आज सुबह ही हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है।